वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में सरकारी कॉलेज जो भी है, उन सभी सरकारी कॉलेजों में बीबीए और बीसीए की पढ़ाई होता है। जो भी छात्र इस बार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से जुड़ा सरकारी कॉलेज में बीबीए और बीसीए करना चाहते हैं, तो बता दें कि नामांकन शुरू हो गया है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है अपने कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपका रहेगा, जिस भी कॉलेज में आपको नामांकन लेना है। सेशन का बात करें तो सेशन रहेगा 2022 से 2025। यदि आपका नामांकन जो होगा 2022 में, तो आपका बीबीए और बीसीए का जो कोर्स होगा समाप्त 2025 में। चलिए फुल स्टेप को बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है biharinfo.in, biharinfo.in। biharinfo.in सर्च करने के बाद आपको आ जाना है आगे biharinfo.in के वेबसाइट पर, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। biharinfo.in वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जस्ट नाउ अपडेट में यहाँ पे अपडेट किया गया है बीकेएससी आरा बीबीए बीसीए एडमिशन 2022 से 2025। बंद करना है ऐड को और आगे आपको आ जाना है। आगे आने के बाद ऐड को पढ़ते हुए यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे जो भी स्टेप है आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी आपका चार्ज है, चार्ज अभी तो लगेगा नहीं, जो आपका साइबर कैफे का चार्ज रहेगा वही है, लेकिन आप घर पर भरना चाहते हैं तो घर पर भी भर सकते हैं। अब जो भी सरकारी कॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 सरकारी कॉलेज हैं, इन सभी सरकारी कॉलेजों में बीबीए और बीसीए का पढ़ाई होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलेज का नाम डाला गया है, जैसे ग्राम भारती कॉलेज है, साथ ही और यहाँ पे कॉलेज है SBP कॉलेज भभुआ। इन कॉलेजों में नामांकन शुरू है, लेकिन अन्य कॉलेजों में अभी नामांकन शुरू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लिंक रहेगा एक्टिव करते हम जाएंगे, आपको यहाँ पे रोज़ विजिट करते रहना यदि नामांकन लेना है तो। बीबीए जो पढ़ाई है, बीसीए जो पढ़ाई है, बीए और बीकॉम बीएससी से हटकर है, ये भी 3 साल का कोर्स है, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम ये भी ग्रेजुएशन का डिग्री देता है, लेकिन जो बीसीए होता है कंप्यूटर कोर्स हो जाता है, और बीए जो होता है सब्जेक्ट वाइज होता है, लेकिन हम बात करते हैं बीसीए का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम भारती कॉलेज है, तो यहाँ पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस में जाकर इसको क्या करना है कि प्रोसेड टू www.gb ग्राम भारती जो भी कॉलेज है इस पर वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन है बीबीए और बीसीए का, यहाँ पे कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। अभी बीसीए का ओपन है तो बीसीए करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वन सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो 3 साल में आपका टोटल 6 सेमेस्टर हो जाएगा। 1 करेंगे, इसके बाद 22 से 25 करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका सेशन है 22 से 25 करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी स्टेप है आपको जान लेना है, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी नाम है आपको नाम ऐड करना है, पिताजी का नाम ऐड करना है, मदर नेम ऐड करना है। इसके साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप करेंगे कर लेंगे। इसके बाद जेंडर जो भी है, जेंडर आपको कर लेना है। जेंडर करने के बाद कास्ट, जो भी आपका कास्ट है कास्ट जरूर भरिएगा यहाँ पे। और कास्ट भरने के बाद कैटेगरी क्या भरना है आपका, जो भी कैटेगरी है SC ST BC जनरल जो भी है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, इंडियन यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपका एड्रेस जो भी है एड्रेस डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिस जिला में आप रहते हैं, स्टेट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। इसके साथ ही आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो भी आपका एड्रेस है ये नीचे भी एड्रेस डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डाल देना है, क्योंकि आपको ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाता है अपने विभाग के, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी भी डाल देना है। इसके बाद आपको फ़ोटो जो है, फ़ोटो यहाँ पे 25 KB का आप लोग साइज बना लीजिएगा, फ़ोटो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी डालना है, और इंटर का जो मार्कशीट अपलोड है यहाँ पे कर देना है, इंटर का मार्कशीट। इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है BCA जनरल जो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, अप्लाइड कैटेगरी जो भी है। आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे पासिंग ईयर में, तो ये इंटर का डालना है, तो इंटर का डालना है, तो आप इंटर पास कब किए हैं, तो मान लेते 2022 में किए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर R होगा, इसके बाद /-, के बाद मान लीजिए कि आपका जो भी होगा 14 से स्टार्ट है, यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी आपका बोर्ड है, BSV है, बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड कर देंगे। आपका कॉलेज का नाम मान लीजिए कि जो भी है कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद स्ट्रीम क्या था, ISC था या अदर था, तो अदर है तो अदर कर देंगे, ISC है तो ISC कर देंगे। टोटल मार्क्स, टोटल मतलब कितना आया है, 500 में कितना आया है आपका, 315 कितना है, तो मान लीजिए कि 300, मान लीजिए कि हमारे 456 है, तो 456 कर दिए।
इसके साथ ही यहाँ पे आर यू ओके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, और इसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ पे करने के बाद इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद जो भी आपका कॉलेज में अप्लाई करेंगे उस कॉलेज के BCA डिपार्टमेंट में जाकर ये प्रिंट को जमा कर देना है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम। इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे तो आपका नामांकन होगा, और नामांकन के बाद अपना जो भी पढ़ाई है शुरू कर पाएंगे। अब देखिए, ये तो ग्राम भारती कॉलेज का था, इसको हम क्या करते हैं कि साइट को हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद फिर से लेकर चलते हैं बिहार इन्फो डॉट इन वेबसाइट पर, और वहाँ पे एक और कॉलेज का डाला गया था, उसका हम लिंक ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक करते हैं, और बैक करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं बिहार इन्फो डॉट इन। बिहार इन्फो डॉट इन लिखने के बाद यहाँ पे फिर से जाएंगे वेबसाइट पर, क्योंकि हर कॉलेज का जो साइट है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे BBA और BCA पर फिर से जाते हैं, और जाने के बाद यहाँ पे फिर से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि SBP कॉलेज भभुआ का जो अपडेट है, यहाँ पे SBP कॉलेज भभुआ का बता देते हैं। अब देखिए, इसका जो साइट है अलग ही है। अब यहाँ पे BCA कर दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BCA कर दिए, और BCA करने के बाद यहाँ पे जो सेमेस्टर 1 कर दिए, और फ्रॉम 2022, और फ्रॉम के बाद टू जो है 2025 कर दिए। 2025 करने के बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट नेम, आवेदन नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ सेम है। आप यहाँ पे जो भी अपडेट बताएं, यहाँ पे आपको फ़ोटो डाल देना है, 200 से 300 आपको साइज बना लेना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे सब जो है हम बताए थे वही है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने के बाद कॉलेज में आपको जाकर जमा कर देना है। ये था BCA का फुल प्रोसेस। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।